नमस्कार, मेरा नाम है आकृति और महर्षि कृपा शक्ति में आपका स्वागत है। आजकल के समय में हर कोई सुंदर और अट्रैक्टिव दिखना चाहता है और इसलिए बाजारों में मिल रहे हर प्रोडक्ट को हम खुद पे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ हम चाहते हैं हमें वो नहीं मिल पाता। हमारी स्किन डल है, टैनिंग हो गई है, हमें ब्राइट ग्लोइंग स्किन चाहिए, लेकिन बाजारों में पैसे फूंकने के बाद भी हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। क्या आपको पता है बाज़ारों में जिन चीज़ों से प्रोडक्ट्स ये बन रहे हैं उन चीज़ों के बारे में हमारे आयुर्वेद में ऋषियों ने बहुत पहले ही बता दिया था। तो आज हम आपको एक ऐसे लेप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और अपने चेहरे की समस्याओं से, जैसे कि दाग, धब्बे, कील, मुहासे या टैनिंग हो जाना, डल स्किन, इन सब चीज़ों से राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही लेप के बारे में जिसे आप घर पर तैयार करके अपने चेहरे को ब्राइट और ग्लोइंग बना सकते हैं। इस लेप को तैयार करने के लिए आपको 50 ग्राम बांग भस्म लेना है। बांग भस्म आपकी स्किन को टाइट बनाता है, आपके डेड सेल्स को रिपेयर करता है और स्किन को नरिश करता है। इसके साथ ही आपको 25 ग्राम चंदन पाउडर लेना है। चंदन आपकी स्किन को ठंडक देता है और डलनेस हटाता है। 25 ग्राम खसखस की जड़ें, ये हमारी स्किन को यूवी रेस से बचाती हैं। इसके साथ ही आपको 25 ग्राम लोधरा लेना है। लोधरा स्किन को जवान बनाता है। एक चम्मच हल्दी, 1 ग्राम केसर और 25 ग्राम फूल प्रियांगू लेना है और इन सब चीज़ों को मिक्स कर एक पाउडर बनाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर ले। अगर आपका ऑयली फेस है तो इस पाउडर में 2-3 चम्मच गुलाब जल डालें और अगर आपका ड्राई फेस है तो इस पाउडर में 2-3 चम्मच कच्चा दूध मिलाएं। इस लेप को 20 से 25 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ये लगाना है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी किसी भी रोग के उपचार के लिए आप हमारी संस्था महर्षि आयुर्वेद संस्था में कॉल कर फ्री में एडवाइस ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।